तख्त पंजाब के लिए इंतखाबी जंग शुरू। हुकुमरान कौन होगा पंजाब का, हमजा शहबाज शरीफ या परवेज जिलाई। पंजाब के 20 हलकों में वोटिंग का अमल शुरू। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात लाहौर मुल्तान के तमाम हलके हसास करार। मजमूई तौर पर 20 हलकों में 3131 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 1194 को इंतहाई हसास करार दिया गया। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस तैनात। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर और पाक फौज के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इलेक्शन से पहले बड़ा धचका। लीगी रुकने पंजाब असम्बली जलील शर्कपुरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। चौधरी परवेज इलाही ने जलील शर्कपुरी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। जलील शर्कपुरी की आवाम से इमरान खान को वोट देने की अपील। काफ लीग का एक और लीगी MPA मौलवी यासुद्दीन की हमायत का भी दावा। लाहौर के 4 हलकों में नून लीग और PTI के दरमियान शबीर गुजर का नज़ीर चौहान, नवाज़ अमान का असद खोखर से और अकरम उस्मान को टफ टाइम देंगे अहसन अशराफत। ज़िमनी इलेक्शन का सबसे बड़ा मुकाबला मुल्तान में है। PP 217 में मुल्तान में ज़ैन कुरैशी और सुलेमान नईम मध्यम। PP 224 लोधरा में आमिर शाह और जवार बड़ैच का मुकाबला। PP 228 लोधरा में इज़्ज़त जवेद और नज़ीर चौहान। PP 228 लोधरा में इज़्ज़त जवेद और नज़ीर खान आमने सामने होंगे। इमरान खान ने कहा कि आइंदा हुकूमत तब लूँगा जब मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। मुकम्मल इख्तियार मिलेगा तो सबका एहतसाब। का खुफिया ताकतें इलेक्शन को कंट्रोल करना चाहती हैं। ये PTI के पोलिंग एजेंट्स खरीदने की कोशिश करेंगे।